हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनीता कैश किचन में। तो आज हम बना रहे हैं बिस्किट और दूध से बहुत ही महंगी रेसिपी। सच में दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे हम 4 पैकेट बिस्किट लिए हैं, पार्ले जी बिस्किट लिए हैं। आप मीठी वाली बिस्किट कोई सा भी ले सकते हैं, चॉकलेट बिस्किट मत लीजिएगा, बाकी कोई सा भी मीठी बिस्कुट यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप इस रेसिपी के लिए। तो चारों बिस्किट से हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं पैकेट से बिस्किट। आप चलिए गैस के तरफ, यहाँ पे हम एक पैन रख लिए हैं और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखे हैं इस टाइम पे हम। और यहाँ पे हम दूध डालेंगे, तो दूध एक बार में बहुत ज्यादा मत डालिएगा। यहाँ पे हम तकरीबन जो छोटी सी कटोरी है उसे हम 2 कटोरी 1.5 कटोरी यानी दूध डाल लेंगे। थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम आगे बताएंगे कि आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पर ज्यादा दूध मत डालिएगा। दूध डालने के बाद जो होता है ना कि बिस्किट गल जाती है अपने आप ही। अब इसको हम क्या करेंगे ना, लो फ्लेम पे रखे हैं, चलाते हुए इस तरीके से हमें ये देखिए कुछ गीला हो गया, इस तरीके से हल्का सा गीला हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे ना, लो फ्लेम पे चलाते हुए इसे हमें मिक्स करते हुए पकाना है। तो डो की तरह हमें इसको तैयार करना है, पकाना अगर कुछ नहीं, हमें डो की तरह तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया से डो की तरह तैयार हो गया, बिल्कुल भी गुठलियाँ वगैरह नहीं है। इस तरीके से हमने मैश करते हुए इसको चलाते हुए मैश करते हुए पका लिए हैं। तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, या तो अगर जैसे पैन गर्म हो गया तो बंद कर दीजिएगा। और इस तरीके से हो जाए डो की तरह तो बैठ के हम साइड में रख देंगे। फिर से हम यहाँ पे पैन लिए, आप यहाँ पे कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। 1 कटोरी हम चीनी डाल देंगे और इसमें 1.5 कटोरी पानी ऐड करेंगे। तो आप चाशनी यहाँ पे कम या ज़्यादा करके बना सकते हैं। 1.5 कटोरी हमने पानी डाल दिए हैं, आप यहाँ पे इलायची डाल देंगे तो कुछ खड़ा इलायची डाल दीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगी इसमें। आपके पास गुलाब का फूल हो ना तो वो डाल दीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और टेस्टी बनते हैं हमारे जो गुलाब जामुन होते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्टी बनते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो है ना चाशनी में गुलाब के फूल है तो आपके पास तो डाल दीजिएगा। और यहाँ पे हमें चाशनी को ना बहुत ताड़ की चाशनी नहीं बनाए हैं, सिर्फ चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। इस तरीके से चेक कर लीजिएगा, हाथ में एकदम चिपचिपी सी होनी चाहिए, जैसे उंगली पर हम लगेंगे ना तो चिपचिपी सी लगनी चाहिए। तो इस तरीके से बन जाए, गैस को बंद करेंगे, इसको साइड में रख देंगे। अब चलिए हम अगला तैयारी कर लेते हैं, जो हमने बिस्किट की आटे की डो तैयार किए हैं ना, अब उसको हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं। उसके ऊपर से हम डाल देंगे 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच यहाँ पर हम मिल्क पाउडर लेंगे। मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगी इसमें, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और 1 चुटकी करीब हम डाल देंगे इलायची का पाउडर, इससे क्या होगा ना, इसमें खुशबू बहुत ही अच्छा आ जाएगी, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब सारे चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करते हुए गूंद लेना है, बहुत ही आसान तरीके से इस मिक्स हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे चिकने करके इसे गूंद लेना। तो 1 मिनट की तकरीबन 1 मिनट के करीब आप इसको गूंद लीजिएगा इस तरीके से मसल मसल के, ताकि बिल्कुल लम्स वगैरह गुठलियाँ ना रहे, अच्छे से चिकना हो जाए। तो चिकना करने के बाद अब इसको हम लंबा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लंबा कर लीजिएगा। उसके बाद जो है छोटी छोटी हम लोई कट करेंगे, तो आप अपने हिसाब से तोड़ के भी हाथ से भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी लोई कट कर रहे हैं, तो आप साइज को बड़ा रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं, तो आपकी पसंद है, जैसे रखना चाहते हैं वैसे रखिए। हमारे 4 में ही बहुत ढेर सारा यहाँ पे गुलाब जामुन जो हमारा तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे एक एक करके लोई उठाएंगे और इसको गोल गोल बनाते जाएंगे, जैसे हमारे गुलाब जामुन रहते हैं, बहुत ही अच्छा चिकना करके कुछ इस तरीके से। देखिए कितना बढ़िया चिकना करके ये जो हमने बनाए हैं, बिल्कुल भी कहीं फटा वगैरह भी नहीं है। देखिए कितना बढ़िया से बन के तैयार हो गया है, बाकी कभी से इसी तरीके से बना लिए हैं। अब चलिए फिर से हम गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने तेल रख दिए थे हल्का गर्म, तेल को करना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, जैसे हम तेल को आधा गर्म करेंगे तो इस तरीके से हो जाए। बस हम क्या करेंगे ना, सारे जो हम गुलाब जामुन बना के तैयार किए हैं इसमें डाल देंगे। तो बस ध्यान रखिएगा, तेल को हमें बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म हो जाए तेल तो गैस को बिल्कुल लो रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिस्किट का है जो है गुलाब जामुन, ये जो है ना फटने की चांस रह सकती है, इसलिए बस गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। इसको हम ज़्यादा पकाएंगे भी नहीं, बस हल्का फल्का इस तरीके से चलाते चलाते हिलाते पकाएंगे, तो हल्का से यहाँ कलर चेंज हो जाएगी, तो बहुत ही जल्दी कलर चेंज हो जाते हैं इसको पकने में, ऊपर वाला भाग को बिल्कुल टाइम नहीं लगते हैं। और जो बिस्किट है तो बिल्कुल भी आपको पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से कलर आ जाए बस हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। आपको इससे भी ज़्यादा कलर को और डार्क करना है तो और थोड़ा सा पका लीजिएगा, बस इतना ही अच्छा लगता है देखने में, तो आपके जैसे पसंद हो। इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे को छान के निकाल लिए हैं।
अब चलिए फिर से हम चाशनी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम चाशनी को जो है ना हल्का सा गर्म करेंगे। तो यहाँ चाशनी ले लिए, गैस को हम चालू कर लिए हैं, तो हल्का सा गुनगुना गर्म कर लेते हैं। इसे क्या हुआ ना, जो उसमें गुलाब जामुन डाल देंगे ना, अच्छे से जो है ना गर्म रहेगी ग्रेवी चाशनी, तो अच्छे से पी लेगी हमारे गुलाब जामुन। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, बस देखिए हल्का सा गुनगुना गर्म हो गया। गैस को बंद कर दिए हैं, अब इसमें सारे गुलाब जामुन जो बना के रखे हम डाल देंगे। देखिए बहुत ही अच्छा बिस्किट से गुलाब जामुन बहुत ही झटपट में ये बन के तैयार हो जाती है, और कोई कह ही नहीं सकता है कि आप बिस्किट से गुलाब जामुन बना के तैयार किए हैं। अब इसको हम इस तरीके से हिला के आप करछुल से या कोई चीज से चाशनी में इसको ऊपर से डुबो दीजिएगा, ताकि ऊपर से भी चाशनी चले जाए। अब ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे, 10 मिनट में चाशनी ठंडी हो जाएगी। अब हम सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया जो गुलाब जामुन हमारा तैयार हो चुका है, सर्व कर लीजिए। गर्मा गर्म गुलाब जामुन इंजॉय करिए, भी बिस्किट से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। आप जैसे मुंह में लेंगे ना तो घुल जाएगी, इतना टेस्टी इतना सॉफ्ट बनते हैं ये। सच में दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मैं फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए सबको दिल से थैंक यू। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।